हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ नो मस्त, क्योंकि मेरे आंखों में हो गया है आई फ्लू और बहुत ज़्यादा इसके चक्कर से बुखार आ गया है। पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, कप कप आ रही है ठंडे से। तो रात को मैंने टैबलेट खाई, तब जाके थोड़ा सही हुआ। तो आज कृष्णा भाई, मेरे दोस्त और उनके लड़के का नामकरण है, तो उनके यहाँ कृष्णा भाई के लड़के का नामकरण है, तो वहाँ जाना है मेरे को। और आज थोड़ा स्कूलों में भी जाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। और तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मैंने 3-4 दिन से कोई वीडियो बनाई भी नहीं है। और आँखें दिखाता हूँ आप लोगों को कैसी हो रही है, देखो पूरी लाल हो रखी है। आज तो कम हो रही है, परसों से हो रखा है। सूजन इतनी आ गई थी कि ये देखो कितनी आँखें लाल हो रखी हैं। पूरी सूजन के चक्कर से परेशान हो गया था, इसलिए मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे वजह से किसी और को ना हो जाए, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। तो अब चलते हैं भग्गी भाई के यहाँ, क्योंकि भग्गी भाई को रेडी करते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं कृष्णा भाई के यहाँ। दोनों जी नहीं जाएंगे तो थोड़ा काम वाम करना पड़ेगा, तो काम वाम भी निपटा देंगे। मैं पहुँच गया कृष्णा लोगों के घर में और खाना बन रहा है। देखो चूल्हों में खाना चढ़ा हुआ है, 3 के 3 चूल्हों में, और सामान सब सामने पर रखा है। पंडित जी बगल में बैठे हुए हैं और ये हैं चने स्नैक्स के लिए। और यहाँ चल रही है लेडीज की मीटिंग, रोटी बनाते हुए बिल्कुल आराम से टाइम पास कर रहे हैं। मीटिंग मतलब रोटी बनाते हुए टाइम पास कर रहे हैं। बातें नहीं करेंगे तो टाइम आगे कटेगा नहीं और मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग सा हो जाएगा बहुत, तो इसलिए बातें कर रहे हैं। मैं माँ शारदा स्कूल में पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया, और दिलू भाई ने हमारे फ़ोन करके हमें पहले ही बुला दिया था। मैं 2 घंटे बाद लेट पहुँचा, तो यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गए थे। तो ये है यहाँ का कुछ ऐसा दृश्य, और ये अखंड भारत जिसको हम कहते हैं। ये हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं पीछे, और ये देखो लक्की भाई, ये सारे भाई हैं। Bye.
गाइस तो माँ शारदे के अंदर से मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज आ रही थी, तो वहाँ शूट नहीं हो पा रहा था वीडियो। वैसे तो शूट हो रहा था, मेरा शूट नहीं हो पाता इसलिए मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती, तो इसलिए बाहर आ गया। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए, आप लोगों ने देख दिए होंगे, तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम थे, बहुत ज़्यादा 4-5 प्रोग्राम देखे। मैं पहले पहुँच नहीं पाया क्योंकि कृष्णा के यहाँ था मैं, वहाँ कृष्णा के नाम वो लड़के के नामकरण में, सॉरी कृष्णा के नामकरण से बोल रहा हूँ, कृष्णा के लड़के के नामकरण में था, तो वहाँ भी काफ़ी सही हो रहा था, पर यहाँ आके काफ़ी दिल को शांति मिली। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए और देशभक्ति गाने चले थे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखो यार आइसक्रीम खाते हुए शर्मा रहा है यार ये लड़का। गाइज आप लोगों ने भाई को देखा होगा आइसक्रीम खाते हुए शर्मा रहा है, और यहाँ लोग डांस करते हुए भी नहीं शर्मा रहे हैं, घूम के डांस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम दे रहे हैं तब नहीं शर्मा रहे, और ये खाते हुए भी शर्मा रहा है। हद है यार, पता नहीं किस पीढ़ी में, मतलब कौन सी जनरेशन में जी रहा है। तो स्कूल के बाहर पे दो ही स्टॉल लगे हुए हैं, एक आइसक्रीम का और एक चाउमीन नूडल्स वगैरह मोमोज का, तो इनके वजह से भी 4 चांद लगे हैं, क्योंकि अगर ये बाहर पे ना होता और लोग काफ़ी बोरिंग हो जाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे तो खाने के। तो अब हम यहाँ से जैसे हम घर पे पहुँचे तो यहाँ नामकरण स्टार्ट हो चुका था और कृष्णा भाई को बाहर बैठा लिया था और बच्चे को भी, और सूरज को चेहरा दिखाते हैं तो वो भी रस्म हो गई थी, और पैर जो है सिक्के और दही में लगाते हैं तो वो भी रस्म पूरी हो गई थी, और अब अंदर को प्रवेश हो रहा है। यार समझ में नहीं आ रहा, तुमने एक जैसे लग रहे हो, देवरानी कौन जेठानी कौन? हां ओ पाओ जी देखो मामा, रुक जा एक बार, रुक जा रे एक बार रुक। ये देखो बचपन में बच्चे कितना क्यूट होते हैं देखो। और ये है रसोईया, यहाँ देखो खाना पूरा बन गया है। खाना बनने के बाद जो खाना बनाने वाले गांव के जो टहलवा बोलते हैं वो सब बैठ गए हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, और अब खाना स्टार्ट हो गया है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे खाना खा रहे हैं। तुम्हारा चैनल क्या है? खाते हुए यार, खाते हुए। तुम्हारे छोटे भाई की खाना खाने की एक्टिंग देखो कितनी प्यारी है, बड़े बड़े स्टार को भी पीछे छोड़ दे। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार हमारे गाँव वाले खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। Baby, bye.